दोस्तों एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा आज के इस वीडियो में कि जो अपने कदमों की कामयाबी पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल को पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी टॉपर अनु कुमारी के बारे में, जिनके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही लगेगा कि यार इसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है और फिर भी यूपीएससी टॉप किया, रैंक 2 लेके आई। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूंगा और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनके बारे में, मैं उनकी संघर्ष के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई करी जिससे वो यूपीएससी टॉपर बने। तो दोस्तों अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन कर लीजिए जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अनु कुमारी 12 साल पहले ग्रेजुएशन की थी उन्होंने। यार आजकल की महिलाएं सोचती हैं छोड़ो यार 2 साल हो गए अब मेरे से बस की नहीं है। 12 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन करी और आज यूपीएससी टॉप कर गई। उसके बाद उनका एक बेटा भी है जो कि 4 साल का, और वो भी पढ़ाई के दौरान उनके साथ नहीं रहता था। एक माँ के लिए कितना दुखदायक होता है कि 4 साल का बच्चा जब वो प्रिपरेशन कर रही है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है ये। शायद अगर आप स्टूडेंट होंगे, चाहे वो 10वीं के होंगे 12वीं के होंगे, तो शायद इस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। शायद वो चीज जैसे जैसे बढ़ेंगे आप आगे लेवल में तो पता चलेगा कि बच्चों का ना होना अपने से किसी चीज के लिए उसको सेक्रीफाइस करके रखना कि भाई तुम अभी दूर रहो हम कुछ कर रहे हैं, कितना बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है एक माँ के लिए। साथ में वो हरियाणा के गांव से आती हैं। हरियाणा हमेशा से रहा है कि पुरुष प्रधान राज्य है जहाँ पे बेटियों को, महिलाओं को इतनी ज्यादा छूट नहीं दी जाती कि वो अपने सपनों को अचीव कर पाए। उस स्टेट से आके उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर मैं कहूं कि बड़ी बात है तो शायद बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनके लिए। ये सब चीजें एक संघर्ष का पार्ट रही हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। आप भारत में कहीं भी चले जाएं, मैं कल ही एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बेटियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज और बेटों के लिए प्राइवेट कॉलेज। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो शुरू से चली आ रही है। आप चेक करिए अभी भी मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में, मिडिल क्लास से ही मैं कह सकता हूँ, लोअर क्लास में चलो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि पढ़ा सके, बट मिडिल क्लास वालों के लिए है पैसे। जब बेटे जा सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में तो बेटियां क्यों नहीं, लेकिन नहीं, बेटियां अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं और बेटे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। ये रियलिटी है, इसी सोच को बदलना है। ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, ऐसी महिलाएं इस रैंक पे, ऐसी संघर्षपूर्ण जीवन में, तो ऑब्वियसली वो समाज को बदलने की बहुत कोशिश करती हैं। और उन्होंने कहा भी कि मैंने आईएफएस नहीं चुना, मुझे बाहर नहीं जाना, मैंने आईएएस चुना, मुझे यहाँ रह के अपने देश की सेवा करनी है। अब बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी जिससे वो यूपीएससी टॉप कर गए। मैं आपको बता दूं कि उनका ये सेकंड अटेम्प्ट था। ये बात ठीक है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, उन्होंने बताया भी इसके बारे में कि उनके ब्रदर ने कुछ फॉर्म भर दिया था, तकरीबन 1.5 महीने की टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने प्री का एग्जामिनेशन दिया जिसमें कुछ मार्क्स से वो रह गई, लेकिन जब उन्होंने ये सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो सबको भौचक्का ही कर दिया, सीधा टॉप यूपीएससी रैंक 2। और साथ में उन्होंने बताया कि वो हमेशा मॉर्निंग पर्सन रही हैं, लाइक सुबह उठ के पढ़ना, सुबह 4 बजे से पढ़ती थी वो, मतलब रात को 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 6 घंटे होते हैं सोने के लिए। और ये मैंने पहले से भी कहा है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो 5 घंटे 6 घंटे ये नींद सफिशिएंट है। 6 घंटे नींद लेने के बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं दिन भर पढ़ती ही रहती थी, बाकी दिन भर के जो काम है, वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, खाना खाना, इन सबको निकाल दें तो तकरीबन वो 10 से 12 14 घंटे की पढ़ाई 1.5 सालों से करती हुई आ रही है। और ऐसी प्रिपरेशन जहां पे फुल कॉन्फिडेंस हो, उन्होंने कहा कि यूपीएससी टॉप करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क। और साथ में उन्होंने एक लाइन शेयर करी कि जल्दी नहीं देर से ही सही, सफलता सबको जरूर मिलती है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हारिए मत, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए और हमेशा जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने अपनी प्रिपरेशन करी है उस पर भरोसा करिए। हाँ, एक इंसान को ना सबसे पहली चीज ये मालूम होती है कि क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन 100% की है या नहीं। आपको किसी टीचर से, किसी पेरेंट से सुनने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, तुम्हें पता होता है, बस तुम सिर्फ उस बात से अनजान रहते हो। आप किसी भी यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू सुन लें, उनमें उन्हें 2-3 बातें उनकी रेगुलेशन रही है हमेशा, रेगुलर स्टडी, हार्ड वर्क, चाहे वो अनु कुमारी हो, टीना डाबी हो, रणदीप हो, निशांत जैन हो, इन सब के इंटरव्यूज देख लीजिए, इन सब में एक ही बात कॉमन है कि कॉन्फिडेंस अपने आप पे हमेशा बना के रखिए, क्योंकि आपके पास उस लेवल पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि यार जॉब, हर एक की फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आपको एक बहुत आगे तक पढ़ा सके। उस लेवल पे आपको बहुत से दोस्त, यार, भाई, बंधु सब देखेंगे कि जॉब करते हुए, कुछ पैसा अर्न करते हुए, लेकिन आप उस टाइम कहीं ना कहीं स्टडी में लगे होते हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड रहे हैं, मैंने एक चीज देखी है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना दैट्स नॉट अ वन थिंग, इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। सबसे बड़ा चीज होता है प्रेशर, कि आपके साथ वाला फ्रेंड एक एमएनसी कंपनी में 60,000 की जॉब कर रहा है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मालूम नहीं कि पास होंगे भी या नहीं, एक निकला तो दूसरे में गए, दूसरा निकला तो इंटरव्यू में गए, यहाँ फंसे हुए हैं आप। तो इन सब चीजों का प्रेशर होता है जिसे आपको दूर करना है, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है,
जिंदगी बहुत कम समय के लिए मिली है। वो कहते हैं ना कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करो, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। तो अपने लाइफ में जितनी भी टेंशन है सब चीजों को निकालिए, फ्री रहिए, प्रिपरेशन करिए, कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। और आई थिंक हम सबको इनसे सीखना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, टेंथ में हो, ग्रेजुएशन में हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन, एसएससी की प्रिपरेशन, बैंक पीओ की प्रिपरेशन, किसी भी लेवल पे हो, ये फर्क ही नहीं पड़ता। आपको इन सबसे इंस्पायर जरूर होना चाहिए कि 12 साल पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद यूपीएससी टॉप किया, साथ में 4 साल का बच्चा है, किस तरीके से हैंडल करती होंगी वो। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं होंगी, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो शेयर नहीं कर पाती होंगी। इस लेवल पे आके बहुत सारी समस्याएं आती हैं हर एक के जीवन में। तो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा कि अनु कुमारी ने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया और अपना यूपीएससी में एक बड़ा नाम हासिल किया। क्या है आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। और आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।